मिलोर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक सरकारी डॉक्टर। हेलो 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 हेलो। डॉक्टर साहब, आप पर सबसे पहला इल्जाम ये है कि आप हमेशा अपने मरीजों को ये कहते हैं कि भाई आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, ऐसा क्यों? मैं इलाज से पहले मरीज को चेतावनी दे देता हूँ, मैं किसी लफड़े में पड़ना नहीं चाहता भाई। देखिए, हमने सुना है कि आपके बहुत से पेशेंट चेकअप के दौरान ही हार्ट अटैक से मर जाते हैं, ऐसा क्या करते हैं आप? भाई हम कुछ नहीं करते हैं, इसलिए तो मर जाते हैं, कुछ करते होते तो बच ना जाते। देखिए, हमने ये भी सुना है कि आप अपने पेशेंट को ठीक करने के बजाय उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ा देते हैं, ऐसा क्यों? जय साहब, मैं अंदर से बहुत ही मोहब्बती आदमी हूँ, तो इलाज के दौरान मेरा मरीज के साथ एक लगाव हो जाता है, तो मैं खुद उसे अस्पताल से जल्दी ही जाने नहीं देता, तो उसे छुट्टी हमारे यहाँ देर से मिलती है। देखिए, हमने सुना है कि आपके पेशेंट हिम्मत सिंह अपनी रिपोर्ट देखते ही हार्ट अटैक से लुढ़क गए, ऐसा क्या लिखा था आपने रिपोर्ट में? भाई हिम्मत सिंह की बात ना करें, वो बड़ा बदतमीज है, मेरा मतलब बड़ा बदतमीज था। मैंने उनको रिपोर्ट देने के लिए बुलाया था सुबह 10 बजे, वो शाम को 5 बजे तक आए नहीं, तो मैं जाते जाते उनकी रिपोर्ट के ऊपर लिख गया रिपोर्ट ऑफ लेट हिम्मत सिंह। ये तो भाई जबान का हेर फेर था, दरअसल मैं किसी लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहता।